सॉफ्ट मुलायम और बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी। तो अब इसको बनाना किस तरीके से है वो हम आपको वीडियो में बताते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्लीन बाउल ले लीजिए और कोई सी भी ब्लीच जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको ले लीजिए। ये मैं आपको ओलिविया का साशे दिखा रही हूँ। अगर आप चेहरे पर कर रहे हैं तो आप इसका ये पाउडर ब्लीच यानी आधा लीजिएगा और उसके बाद आपने इतनी क्वांटिटी में लेनी है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। इन दोनों चीजों को आपने मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मिलाना है कच्चा दूध एक टीस्पून के बराबर और फिर इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से यकजा करना है। यहाँ तक ये तमाम एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए आपने इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, तमाम चीजें यकजा हो गई हैं। अब जो बीच के साथ हमें क्रीम चीज मिली है वो हमने इसमें मिक्स करनी है। प्रोसेस को काफी ध्यान से देखिएगा आगे चल के आपने किस तरीके से इसको वॉश करना है आपको बताते हैं। इस क्रीम ब्लीच को आप इसमें मिक्स कीजिए और फाइनली इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से ब्लीच बनाने से आप देखेंगे कि आपकी ब्लीच जरा भी फॉर्म की शक्ल में नहीं आएगी, बिल्कुल क्रीम की शक्ल में ही रहेगी। जितना भी आप इसको मिक्स करते रहे इसका जो है वो शक्ल चेंज नहीं होगी, ताकि आपको इसको अप्लाई करने में आसानी रहे और सर्दी में भी आप ब्लीच करें तो आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो। अब मैं इसको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करूंगी। अगर आप अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करें तो आप ब्लीच पाउडर जो है वो पूरा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद ये आपके हाथ के ऊपर आपने दोबारा से इसको ब्लीच करना है ताकि इसका रिजल्ट अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर आ जाए। अगर आप चेहरे पर करेंगे तो आधा पैकेट पाउडर बहुत था और अगर हाथ पांव पे करेंगे तो पूरा पैकेट डालिए। 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद अब आप किसी भी गद्दे से या किसी टिश्यू पेपर से, टिश्यू से मुश्किल होगा, गद्दे से आप इसको रिमूव कर लीजिए, ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद आप गर्म पानी लीजिए, बहुत गर्म नहीं, ये देखिए जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, और उसके अंदर अपने हाथ को डिप कर लीजिए। चेहरे के लिए आपको प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। 5 मिनट डिप कर लेने के बाद आप अपने हाथ को बाहर निकालिए और इसको आप अच्छे से मुशक कर लीजिए साफ टॉवल के साथ। आप एक ही दफा से ये ब्लीच करने से रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरा हाथ जरा भी ड्राई नहीं हुआ, जो कि सर्दियों में सबसे पहली निशानी होती है। ये खुशक हमारे आपके हाथ बिल्कुल एकदम इसके करने से ग्लोइंग हो जाएंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे। आप इसे 10 दिन के बाद दोहरा लिया करें। तो ये जबरदस्त ब्लीच का तरीका अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अब मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आप चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उसे आप जाहिर सी बात है डिप नहीं कर सकते बाल के अंदर। उसके लिए आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी जिससे आपका चेहरा बर्दाश्त कर सके, ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। यानी ठंडे पानी से हैंड वॉश नहीं करने, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो हम अपने हाथ को अकड़ने से या खुश्क होने से ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 30 मिनट के लिए ब्लीच को आप अप्लाई करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ ऑलरेडी बहुत ठंडे हो चुके होंगे और उसके लिए जरूरी है कि आप उसको गर्म पानी से वॉश करें। अब हम चेहरे की तरफ आ रहे थे, उसके लिए आपने क्या करना है कि साफ टॉवल को आपने गर्म पानी में भिगो लेना और उस टॉवल को 5 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर रख लीजिए आंखें बंद करने के बाद। और ये प्रोसेस आपने चेहरे के ऊपर से ब्लीच उतारने के बाद करना है। ब्लीच आप किसी गद्दे की मदद से या टिश्यू की मदद से उतार सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट टॉवल को अपने चेहरे के ऊपर रखिए और फाइनली आप गर्म पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। तमाम चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है। अगर आप चेहरे के अलावा बाजू, हाथ, पांव या गर्दन के ऊपर कर रहे हैं तो आप पूरे पैकेट जो है वो ब्लीच का इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली चलेंगे आज के लेसन की तरफ। लेकिन लेसन की तरफ चलने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने एक एक फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे जो है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेटअप अच्छा लगा है तो भी आपने मुझे वीडियो के अंदर कमेंट्स के नीचे लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों की राय मुझ तक पहुंचती रहे और मैं जानती रहूं कि आप लोगों को मेरी खिदमत पसंद आ रही है कि नहीं। तो वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलते हैं आज के लेसन। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब इंसान के दिल में ऐसा गम पैदा हो जिसकी वजह समझ में ना आए तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है जिसकी तौबा उसने अभी तक नहीं की। तो ऐसे सूरत हाल में अल्लाह ताला से हम सब को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, उससे तौबा के तलबगार हैं, बेशक माफ करने वाला है, हमें माफ करना। आमीन आमीन। बेशक अल्लाह ताला सबको माफ करते हैं। तो माफी हमारे सच्चे दिल से होनी चाहिए और सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह ताला जल्दी कबूल करते हैं। और साथ में ही अल्लाह ताला से ये मतलब वादे के बाद उनसे अहद करना चाहिए कि हम इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इसके साथ ही वीडियो हमारी खत्म होती है। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती